आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और मैं सुनील मान आप सभी सेफ्स ऑफ सोल्जर्स का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज एक शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको मिलेगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले 2 अक्टूबर से हमारे बिजनेस में कुछ नई जान फूकने वाली है। 2 अक्टूबर को एक नया प्लान लागू होने वाला है। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती नहीं मनाएंगे, हम सेफ शॉप को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। 2 अक्टूबर को बहुत ही शानदार एडिशनल इंसेंटिव्स हमें मिलने वाले हैं। हमारे प्लान के अंदर बहुत सारा पैसा ऐड होने वाला है और हम सब यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग लगातार काम करेंगे, जो लोग कर्मठता के साथ में काम करेंगे, उनके लिए सेफ शॉप में बहुत पैसा बरसने वाला है, ऐसा हम सब जानते हैं। और 2 तारीख का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं आप सबको कि 2 तारीख को जो नया एडेड इंसेंटिव हमें मिलने वाला है सेफ शॉप की तरफ से, 2 तारीख को जो ऐलान होने वाले हैं, 2 तारीख को जो बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी, उसके बाद एक बात तो पक्की है कि सेफ शॉप का हाथ पकड़ने वाला, सेफ शॉप के आसपास टिकने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। हम रूल करेंगे पूरी इंडस्ट्री को, हम हिंदुस्तान में नहीं, हम दुनिया भर में तहलका मचाने वाले हैं जब 2 अक्टूबर को ये नया इंसेंटिव प्लान हमारे लिए मिल जाएगा। बहुत कुछ नया होने वाला है, लेकिन एक चीज उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोडक्ट की नॉलेज। क्योंकि अगर हम अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने गेस्ट को, अपने एसोसिएट्स को, अपने डाउनलाइंस को, अपनी टीम को अगर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ेगी, हमारी सेल्स बढ़ेगी ओवरऑल, हमारे लेवल्स बढ़ेंगे, हमारी इनकम बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट्स की जानकारी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ही प्रोडक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा, ओनली 4 प्रोडक्ट्स। 4 वो प्रोडक्ट्स जो हमारे पास वेबसाइट पे अभी अभी आए हैं, जो कल परसों में ही हमारी वेबसाइट पर ऐड हुए हैं। उसमें से एक प्रोडक्ट तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बिल्कुल नया है, जिसके बारे में मैंने भी आज ही जानकारी हासिल की है। और मैं आपके साथ जितनी भी जानकारी मुझे मिली है, जो मैं रिसर्च कर पाया हूँ, वो जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पहले आउट ऑफ स्टॉक थे, लॉकडाउन के टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही थी और अवेलेबल नहीं थे, लेकिन वो प्रोडक्ट भी अब एक नए रूप में हमारे साथ में, नई पैकेजिंग के साथ में, नई बिल्डिंग के साथ में हमारे लिए अवेलेबल हो गए हैं। और उनका हमें बड़े दिन से इंतजार था। बहुत सारे हमारे एसोसिएट्स, बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स उन प्रोडक्ट्स का इंतजार कर रहे थे। वो प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पर आ गए हैं और उनकी बिक्री शुरू हो चुकी है। और वो इतने ज्यादा जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं कि वो मुझे लगता है कि अगर आपने जल्दी नहीं खरीदे तो खत्म भी हो जाएगा उनका स्टॉक, क्योंकि बहुत जबरदस्त डिमांड है। सो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आराम से बैठ जाएं और अपने पास नोटपैड लेकर बैठे और स्क्रीन पर जो बातें लिखी आ रही हैं, जो मैं बताने वाला हूं, उनको ध्यान से सुने समझे और प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप इकट्ठा करें और उन जानकारी को, उस नॉलेज को आप इस्तेमाल करें फील्ड में, उस जानकारी का इस्तेमाल करें आप अपने खुद की लाइफ में और उससे आप परिवर्तन लाने की कोशिश करें अपने जानने वालों के, अपने घर वालों के, अपने दोस्तों के, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों के, उनकी जिंदगी में जो समस्याएं हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनके बारे में आप चर्चा करें। सो आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग को मैं स्टार्ट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ट्रेनिंग से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। सबसे पहला एक प्रोडक्ट जो हमारा ऑल टाइम हिट है, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रोडक्ट जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे लोग जिन्होंने सेफ शॉप बिजनेस के बारे में नहीं जाना है, जो सेफ शॉप का हिस्सा भी नहीं है, जिन्होंने सेफ शॉप ज्वाइन भी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक प्रोडक्ट कभी इस्तेमाल किया है, उनके जानने वाले ने, किसी पहचान वाले ने उनको ये प्रोडक्ट दे दिया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी है और उसके बाद से वो लगातार इस प्रोडक्ट की डिमांड करते रहे। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूं और शायद ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो मेरी उम्र का है या मेरे आसपास का है जो इसका इस्तेमाल नहीं करता। और मैं ये भी जानता हूं कि जब आप इस प्रोडक्ट को अगर अब तक नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसको अगर आप अपने घर में मंगा लेंगे तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जो हाथों हाथ बिकेगा। ये आपके पास आएगा और लोग डिमांड करने वाले से ज्यादा होंगे। ये प्रोडक्ट है हमारा जॉइंट पेन ऑयल, एक बहुत शानदार प्रोडक्ट जिसकी लाखों बॉटल्स अब तक हम बेच चुके हैं, लाखों, कितने लाख मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट लाखों में है। और ये प्रोडक्ट बहुत दिन से आउट ऑफ स्टॉक था, अभी स्टॉक में आ गया है तो खुश हो जाइए। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है जॉइंट पेन ऑयल। इसमें है क्या क्या, मैं एक एक करके चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो है इसमें तिल का तेल।
तिल का तेल, इसमें है गंधपुरा, इसमें है विलायती पुदीना, इसमें है सरला, इसमें है तेलपत्र, जो कि कमजोर जोड़ जो हमारे होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो हमारे हड्डियों के जो जोड़ हैं, चाहे वो कोनी हो या घुटने हो या वो एंकल हो या हमारे शोल्डर जॉइंट्स हो, जो हमारे जोड़ कमजोर पड़ जाते हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो कमजोर जोड़ों के लिए और अपने जोड़ों में जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जो हानिकारक पदार्थ, जो हानिकारक कीटाणु, या कीटाणु तो नहीं कहूंगा उसको, टॉक्सिन जो कि हमारे जोड़ों को खराब कर देते हैं, ऐसे टॉक्सिन जो हमारे जोड़ों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स को ये फ्लश आउट करता है। जब इसकी हल्की सी आप मालिश करते हैं, मालिश मतलब जोर से मालिश नहीं करनी है, हल्का सा लगाना है और फैला देना है उसको 5 से 10 ml मैक्सिमम, जहां पर भी आपको पेन है, जिस जोड़ में आपको तकलीफ है, तो वो आप लगा लेते हैं तो जॉइंट्स को डिटॉक्स कर देता है। वहां पर जो हानिकारक, जो जहरीले, जो खतरनाक, जो विषैले पदार्थ जो इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, उनको ये फ्लश कर देता है, जो कि अगर वहां पर रहे जॉइंट्स के पास अगर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो हमारे जोड़ों को, हमारी हड्डियों को कमजोर करते हैं, खराब कर देते हैं, तो डिटॉक्स करता है हमारे जॉइंट्स को। ये जॉइंट पेन ऑयल जो है, इसकी खास बात यह है कि हमारी मसल्स को मजबूत बनाता है ये, और हमारी मसल्स को और ज्यादा लचीला बनाता है। जब हमारी मसल्स मजबूत होती हैं, जब हमारी मसल्स लचीली होती हैं, तो हमारी हड्डियों को सपोर्ट करती हैं। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत कम उम्र में ही, स्पेशली औरतों में और इवन मर्दों में भी, जो शहरी लाइफस्टाइल में है, जिनका पास आजकल ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, तो उनके जोड़ों में बड़ी जल्दी तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। औरतों को तो 40s में, अर्ली 40s में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और मर्दों में भी 45 के बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और उसका रीजन ये है क्योंकि हमारा फिजिकल एक्टिविटीज बड़ी कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से नुकसान क्या होता है कि हमारी मसल्स कमजोर हो जाती है, हमारी मसल्स में उतनी ताकत नहीं बचती है, और हमारी मसल्स हमारे बोन्स को, हमारे जॉइंट्स को ज्यादा अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाती है। और मसल्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे जॉइंट्स को, तो जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ज्यादा वेट पड़ता है, और उसके बीच में रगड़ पैदा होती है। अगर घुटनों की बात करें, अगर वो मसल्स ठीक से नहीं उसको संभाल करेंगी, तो उसके बीच में गैप जो होता है मसल्स की वजह से, वो गैप नहीं रहेगा, गैप कम हो जाएगा और हड्डियां आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से हड्डियां घिस जाती हैं और वहां पर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी मसल्स को स्ट्रांग भी बनाएगा ये तेल की मालिश करने से, और हमारी मसल्स और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, लचीली हो जाएंगी। साथ में इसकी मालिश करने से एक और बड़ा शानदार फायदा होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून का प्रवाह है हमारे शरीर के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। वैसे तो मालिश कोई भी आप करेंगे तो मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन क्योंकि ये खास ऑयल है, आयुर्वेदिक तेल है, हर्बल ऑयल है, एक ऐसा तेल है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। अगर किसी को स्वेलिंग हो रखी है, अक्सर जब जोड़ों में तकलीफ होती है तो हल्की फुल्की स्वेलिंग रहती है, तो स्वेलिंग को भी कम करता है, यानी कि सूजन को कम करता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादा खतरनाक नाम लग रहा होगा आपको, बीमारी भी खतरनाक है लेकिन नाम सुन के और ज्यादा डर लगता है, क्योंकि डॉक्टर ऐसे ऐसे नाम देते हैं कि मरीज को डर ही जाता बेचारा। आर्थराइटिस का मतलब है गठिया। आजकल गांव में, देहात में भी, इवन जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, जो खूब उनकी लाइफस्टाइल बड़ी एक्टिव है, वहां पर भी गठिया की प्रॉब्लम जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जोड़ों की प्रॉब्लम्स तो ज्यादा है ही है, साथ में गाउट, गाउट भी गठिया का एक रूप है, जिसको वात रोग कहते हैं, जो कि बेसिकली इन्फ्लेमेशन टाइप का एक है, वो भी गठिया का ही एक रूप है। डॉक्टर थोड़ा सा हमें डराने के लिए और घबराने के लिए ना अलग अलग एक ही बीमारी के कई अलग अलग खतरनाक नाम दे देते हैं, तो ज्यादा मत घबराइए आप। गाउट भी एक तरह का अर्थराइटिस ही होता है, गठिया ही होता है, तो उसमें ये बड़ा काम करता है हमारा जॉइंट पेन। अगर आपको गठिया का दर्द है तो उसमें आप लगाएंगे तो आपको आराम मिलेगा, पेन में भी आराम मिलेगा, और ये आपके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में लुब्रिकेंट का काम करेगा। लुब्रिकेंट आप सब जानते हैं, जैसे कि अगर आप अपने जो स्पेशली जो टू व्हीलर इस्तेमाल करते हैं तो लुब्रिकेंट अलग से डालते हैं, ऐसे आप कार भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल एक होता है, जो कि बड़ा चिकना होता है, जो बड़ा क्या बोलते हैं उसको, उसकी क्वालिटी ये होती है कि रगड़ जहां पर लगती है ना, वहां पर जो दो तीन पार्ट जहां पर रगड़ खाते हैं वहां पर वो चिकनाहट देता है बेसिकली, तो लुब्रिकेट करता है हमारे जॉइंट्स को। ये जॉइंट पेन के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये मसल पेन हो, अगर मांसपेशियों में दर्द है कहीं पर, तो उसमें भी बहुत कारगर है। सर्वाइकल पेन, जो कि नॉर्मली लोगों को गर्दन में हो जाता है, हमें देखा होगा बहुत सारे लोग ना पट्टा सा बांध के रखते गले में, उनको बेसिकली सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को सर्वाइकल का पेन है तो लगाएंगे यहाँ पर गर्दन पर और कमर के आसपास में, तो आपका सर्वाइकल का पेन चला जाएगा। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर,
पेन। फ्रोजन शोल्डर मतलब कई बार क्या होता है कि आपका जो कंधा है वो अकड़ जाता है, जकड़ जाता है बिल्कुल, आपको उठाने में दर्द होता है, आप उसको घुमाने में उसको तकलीफ होती है आपको, तो जो जिसको हम फ्रोजन शोल्डर पेन कहते हैं वो आपका कम हो जाएगा अगर आप ये लगाएंगे तो। बहुत सारे लोगों को बैक पेन होता है आजकल, क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल ऑफिस में काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। पिछले 1.5 महीने से मुझे भी मजबूरी में ऑफिस में बैठना पड़ रहा है और मुझे भी शाम तक हल्का सा बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो बैक पेन के लिए भी अगर इस पे हल्का सा आप लगा लेंगे तो बड़ा आराम मिलता है। और स्टिफनेस, कई बार अकड़ जाती है कमर, बैठे बैठे अकड़ जाती है, कई बार तो सोते सोते लोगों की कमर अकड़ जाती है। तो स्टिफनेस के लिए, अकड़न के लिए, बैक पेन के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा जॉइंट पेन ऑयल। इसके अलावा एक और खतरनाक वर्ड है वो है सियाटिका। सियाटिका भी एक खतरनाक वर्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन जो बेसिकली कमर का निचला हिस्सा है उसको सियाटिका का पेन कहते हैं। कमर के निचले हिस्से में, कूल्हों से ऊपर और कमर के लोअर बैक में, जिसको हम कहते हैं लोअर बैक में जो पेन होता है उसको सियाटिका बोलते हैं। वहां पर जो पेन होता है उसमें बहुत शानदार है। और आपके मस्कुलर स्ट्रेन्स, कई बार क्या होता है कि मसल्स टायर्ड हो जाती हैं और स्ट्रेन आ जाता है उनमें, मतलब ज्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है, हल्की सी ट्विस्ट हो जाती है मसल्स आपकी, तो उसमें भी भयंकर पेन होता है। तो उसमें भी हमारा जॉइंट पेन ऑयल बहुत जबरदस्त काम करता है। और अगर आप देखें जो स्पोर्ट्समैन है, जो एथलीट्स हैं, तो उनका तो दिन रात उनकी मसल्स पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, वो उनकी मसल्स और उनकी हड्डियां, उनके जॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ये पेन ऑयल हमारा बहुत कारगर है। इंजरी से बचाने के लिए, और इंजरी अगर उनको हो जाए, कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी उनको हो जाती है तो उसमें आराम, बड़ा आराम से जल्दी मिलता है। तो स्पोर्ट्समैन के लिए, एथलीट्स के लिए, और जो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनको, जो भी प्रोन होते हैं, इंजरी प्रोन होते हैं यानी कि जिनको चोट लगने का ज्यादा डर रहता है, तो उनके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। हर स्पोर्ट्समैन के पास में होना ही चाहिए और होगा शायद आने वाले कल में। वो आज तक वो जिस तरह के मार्केट में जो नॉर्मली स्प्रेज मिलते हैं तो उससे टेम्पररीली मिल जाता है, टेम्पररी पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में सही उनका रिलीफ मिलेगा उनको जब अगर वो जॉइंट पेन ऑयल हमारा इस्तेमाल करेंगे। हमारे जॉइंट पेन ऑयल में दो खास तत्व हैं, एक जिंक और एक कैल्शियम, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सीसम ऑयल है बेसिकली इसके अंदर, और सीसम ऑयल के अंदर जिंक की और कैल्शियम की मात्रा बड़ी अच्छी होती है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हड्डियों के लिए। और वो कॉम्बैट करता है, मतलब लड़ाई लड़ता है, ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत खतरनाक बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हड्डियां आपकी खोखली हो जाती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नेचुरली होता है एक उम्र के बाद में। आजकल हमारी डाइट क्योंकि बड़ी कमजोर कम हो गई है, प्रोटीन उसमें कम हो गया है, फाइबर बड़ा कम लेते हैं हम, एक्सरसाइज हम कम करते हैं, तो आजकल बहुत कम उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी लग जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस को अगर मैं आम आदमी की भाषा में समझाऊं तो आपने कभी लकड़ी देखी है जिसमें दीमक लगी हो? एक लकड़ी का कोई टुकड़ा आपने देखा हो जिसमें दीमक लगी हो, वो कितनी कमजोर हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी हड्डियों में लग जाती है, और हमारी हड्डियों में बहुत सारे सुराख हो जाते हैं, पतले पतले होल्स हो जाते हैं जिससे दीमक लगने से हो जाते हैं, हड्डियां बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हैं, हड्डियों का वेट कम हो जाता है और उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और हड्डियां इतनी कमजोर पड़ जाती हैं कि आपको हिप जॉइंट में फ्रैक्चर हो जाना, नी में फ्रैक्चर हो जाना, इस तरह के रिब्स में फ्रैक्चर हो जाना, ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो जाता है। और मैंने बताया कि ये उम्र के साथ में तो ऑस्टियोपोरोसिस होता ही होता है, लेकिन क्योंकि हमारा खान पान और हमारा लाइफ स्टाइल इतना पैसिव हो गया आज के दिन, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो 40s में जाकर औरतों में, और 45 के आसपास जाकर व्यक्तियों में भी, आदमियों में भी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस से भी हमें बचाता है, क्योंकि इसमें सीसम ऑयल है जिसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में है और जिंक भी भरपूर मात्रा में है, जो कि आपको हेल्प करता है आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए। डेफिशिएंसी अगर आपके हो जाती है कैल्शियम की, जिसकी वजह से हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, उसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ जाता है कि आपकी जो स्पाइन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें फ्रैक्चर होने का डर बढ़ जाता है, और हिप जॉइंट में फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ये ऑयल लगातार इस्तेमाल करते हैं और इसका हल्की हल्की मालिश आप करते रहते हैं ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले, तो ये प्रिवेंट करने का तरीका है आपकी हड्डियों को, अपने जोड़ों को बचाने का, अपनी मसल्स को बचाने का। ये बहुत ही कारगर एक ऑयल है जिससे कि आपकी जो बोन की डेंसिटी है, आप देखते होंगे कि उम्र के बाद में ना, जो बुढ़ापे में जब व्यक्ति जाता है और उनके जाती है, तो उसका वजन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। दिखने में वो हट्टे कट्टे दिखते हैं लेकिन वजन धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि बोन में जो वेट है
हमारे शरीर में जो मैक्सिमम वेट होता है वो बोन्स का होता है, और अगर बोन कमजोर हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तो बेसिकली इंसान का वेट भी कम होना शुरू हो जाता है, तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो बोन डेंसिटी बनाए रखने के लिए हमारा जॉइंट पेन ऑयल बहुत ही शानदार है। मैंने इसमें आपको बताया था कि गंध पूरा ऑयल इसमें है, इसको अगर लगाते हैं तो जो एक्यूट ऑर्थराइटिस है, यानी कि जो गठियों की जो सीरियस प्रॉब्लम है, या सियाटिका की प्रॉब्लम है, या न्यूरोलॉजिया, न्यूरोलॉजिया एक नई बीमारी आपने सुन ली अभी, न्यूरोलॉजिया का मतलब क्या होता है, नसों में जो दर्द होता है, नसों का जो दर्द होता है उसको न्यूरोलॉजिया कहते हैं। तो न्यूरोलॉजिया में सियाटिका मतलब कमर लोअर बैक में, और आर्थराइटिस यानी कि गठिया में, इन सब में ये काम करता है। और इस ऑयल की खास बात आपको बताता हूँ जो मुझे अब तक नहीं पता थी, कि अगर हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन है, इंटरनल इन्फेक्शन, इंटरनल इंजरी, जिसमें कि इंटरनल स्वेलिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, स्वेलिंग इंटरनल जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन एक्चुअली दर्द है और इंटरनल है वो, तो उसमें भी ये मदद करता है। न्यूरोलॉजिकल पेन में आपको बताया, उसमें कई बार इचिंग जो होती है ना, कई बार स्किन आपकी खुजली होती है, उसमें इचिंग सी होती है, कुछ लगता है जैसे कुछ काट रहा है, उसमें भी आप लगाएंगे तो ये बड़ा कूलिंग इफेक्ट आता है इसका। अगर आप ये जॉइंट पेन ऑयल लगाते हैं कहीं पर ऐसा है आपको जो नस आपकी जो स्किन है उसमें इचिंग हो रही है, कुछ जलन सी हो रही है, तो अगर ये ऑयल लगा देंगे तो बड़ा ठंडा महसूस होता है कुछ देर के बाद में, स्वेलिंग कम करता है और स्टिफनेस को कम करता है जॉइंट के। साथ में साइनोवियल फ्लूड, ये एक नया वर्ड है आपके लिए, इसके भी लिए घबराइए मत। साइनोवियल फ्लूड का मतलब, हम कई बार कहते हैं ना कि घुटनों में ग्रीस कम हो गया, आपने कई बार सुना होगा आम आदमियों से बात करते हुए कि घुटनों का ग्रीस कम हो गया। ग्रीस मतलब एक फ्लूड जो कि हमारे उसको लुब्रिकेट करके रखता है, जो चिकनाहट बना के रखता है हमारे जॉइंट्स में। तो फ्लूड एक ऐसा होता है जो कुदरती तौर पर होता है, वो फ्लूड हमारे एज के बाद में हमारे खान पान की कमी की वजह से और हमारे एक्सरसाइज की कमी की वजह से वो फ्लूड हमारे जॉइंट्स में कम हो जाता है, लेकिन ये ऑयल अगर आप लगाएंगे तो फ्लूड की कमी नहीं होगी। आपको जो रगड़ होती है आपके जॉइंट्स में, स्पेशली घुटनों में, तो वो तकलीफ से आपको बचा लेगा। तो जो कहते हैं ना हम घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया, तो ग्रीस खत्म नहीं होगा, बेसिकली उस फ्लूड को ये मेंटेन रखेगा। और बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स में भी ये आपकी मदद करेगा, कुछ छोटे मोटे घाव अगर आपको हो रखे हैं स्किन पे उसमें भी आप लगा देंगे तो मदद करेगा। कई बार सोर्स हो जाते हैं, सोर्स मतलब कि आपको कई बार आपने सुना होगा जो मरीज आईसीयू वगैरह में रहते हैं बड़े लंबे टाइम तक या कोमा में चले जाते हैं, तो उनकी कमर में सोर हो जाते हैं जिसको बेड सोर कहते हैं, वो एक ही जगह पड़े रहते हैं, उनकी स्किन पे ही इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो सोर जिसको कहते हैं, तो वो भी अगर किसी को हो गया है तो ये लगा देंगे तो उसमें आराम उसको मिलेगा। और साथ में कहीं पे जल गया है थोड़ा बहुत, वहां पे भी अगर आप ये पेन जॉइंट पेन ऑयल लगा देंगे तो ठंडक मिलेगी और तकलीफ से आराम मिलेगा। बॉयल्स आप जानते हैं, छाले पड़ जाते हैं, कई बार छालों पे भी लगा देंगे तो उसमें भी आपको आराम मिलेगी। तो बहुत ही शानदार ये प्रोडक्ट है। इसमें यूकलिप्टस ऑयल है, यूकलिप्टस ऑयल बेसिकली आपके शरीर को गर्म रखने के लिए। कई बार क्या होता है सर्दियों में कुछ लोगों को जॉइंट अकड़ जाते हैं, उनको सर्दियों में बड़ी तकलीफ होती है, तो हल्का सा लगा लेंगे तो आपके शरीर को इंटरनली वार्म अप कर देता है ये, आपके जॉइंट्स जो है वो गर्म हो जाते हैं, आपका शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाता है सर्दी के जो इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से सर्दियों में लोगों को नॉर्मली पेन होता है। तो ये वार्मिंग ऑयल का काम करता है मसल्स के पेन के लिए, ऑर्थराइटिस के लिए, स्प्रेन्स के लिए और पुअर ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और अभी ये एक नए रूप में आ गया है हमारे सामने। अब ये ट्रायो पैक में है, 3 का पैक है जो इसका MRP है 1299 रुपए यानी 1300 रुपए, और ये हमारे पास अवेलेबल है 1122 रुपए में, और ये 6 BV का प्रोडक्ट है। अब मैं आता हूं दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, शानदार प्रोडक्ट, जबरदस्त प्रोडक्ट, और इसको आप जितना बेचेंगे उतना कम, इसको एक बार किसी को दे देंगे वो बार बार आपसे यही मांगेगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी आने वाले समय में बहुत डिमांड होने वाली है, क्योंकि अभी हमने सर्दी के वक्त, सर्दी के जो महीने हैं वो आने वाले हैं, गर्मी खत्म हो गई है, बारिश का सीजन ऑलमोस्ट जा रहा है और अगले महीने से हल्की हल्की ठंड स्टार्ट होने वाली है, और अब उससे अगले महीने तो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो सर्दियों के मौसम में सर्दी, जुखाम, खांसी, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है और हर घर में इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी से आप अपने लिए भी मंगा कर रख लें इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये कफ सिरप है जो कि नॉन अल्कोहलिक है। मार्केट में आपने आज तक बहुत सारे कफ सिरप्स लिए होंगे, खांसी के लिए आप बहुत सारे सिरप्स लेते हैं, और वो सारे के सारे ज्यादातर कफ सिरप्स जो मार्केट में मिलते हैं वो अल्कोहलिक होती है,
उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल होता है जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। अल्कोहल का कंजम्पशन डेफिनेटली हार्मफुल होता है, स्पेशली कई बार बच्चों को जब हमें कफ सिरप देना पड़ता है और वो अल्कोहलिक होता है तो उनके शरीर पे उनकी सेहत के लिए वो हानिकारक होता है। लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक कफ सिरप है। नॉर्मली जब आप कफ सिरप पीते हैं कोई भी मार्केट से खरीद के, उसके बाद आपको ड्राइविंग करना एडवाइजेबल नहीं होता। डॉक्टर अगर समझदार है तो आपको एडवाइज करता है कि सर आप ये कफ सिरप पी रहे हैं, आपको तकलीफ तो है ही है, कफ सिरप पीने के बाद आपको नींद आ सकती है, इसलिए ड्राइविंग मत कीजिए। तो कई लोगों को ड्राउजीनेस होती है, यानी कि उनको नींद आती है, उनका उनको दिन भर आलस रहता है, नींद महसूस होती है, जिसको हम कहते हैं ना सिर भारी भारी सा रहता है और दिल करता है कि आंख बंद करके सो जाओ, ऐसा वो कफ सिरप का असर की वजह से होता है। लेकिन क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक है तो आपको ड्राउजीनेस नहीं होगी, वो जो नसीला नशा सा जो हो जाता है कफ सिरप पीने से, उससे आप बच जाएंगे। तो आप बच्चों को भी इसको दे सकते हैं, बड़े भी बड़ों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, पूरी तरह से सेफ है। और इसकी एक खास चीज है कि ये एंटी पोल्यूशन सिरप है। ये जो पोल्यूशन है, अभी आप सर्दियां जैसे आएंगी उस तरह से, अभी थोड़े दिन बाद जब धान कटेंगे और धानों का पराल जलाया जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान भर में टीवी में मीडिया में एक ही बात होगी, पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, उस शहर में इतना पोल्यूशन, उस शहर में इतना पोल्यूशन। और वैसे भी हमारे आसपास पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, चाहे उसको हम महसूस करें ना करें। आजकल लग रहा होगा कि पोल्यूशन कम है, लेकिन आज भी जो पोल्यूशन का लेवल है वो खतरनाक है। तो जो पोल्यूशन की वजह से जो बुरा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, हमारे अंगों पर जो प्रभाव पड़ता है, जब हम सांस लेते हैं और वो धुआं और डस्ट और बहुत सारा हानिकारक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, वो हमारे शरीर को इंटरनली बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे अंदरूनी अंगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उससे भी ये बचा के रखेगा आपको। तो ये एंटी पोल्यूटेंट है, एंटी पोल्यूशन सिरप है ये। इसको आप लेंगे तो पोल्यूशन के जो बुरे असर है उससे आप बच पाएंगे। साथ में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से हर्ब से बनाया हुआ है, ये जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है, कुदरती चीजों से बनाया हुआ कफ सिरप है, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं ऐड की गई है, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की है जो कुदरत से ना ली हो। तो पूरी तरह से कुदरत से ली हुई चीजों से, कुदरत की जो देन है हमें जड़ी बूटियां, उनसे बनाया हुआ कफ सिरप है। तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अंदर है क्या क्या, इसमें जो शानदार गुण है उसमें है कुटकी, कुटकी के अलावा तुलसी, पीपली, सोमलता, यस्ती मधु और शहद, हनी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें कुटकी है, तुलसी है, पीपली है, सोमलता है, यस्ती मधु है और हनी है, शहद है। ये वो सारी चीजें हैं कुदरत की, वो नायाब चीजें हैं जो एक ही उसके अंदर डाली हुई है सिरप के अंदर, जो हमारे शरीर को मजबूत तो बनाएंगे बनाएंगे, पोल्यूशन से बचाएंगे और हमारे शरीर में जो खांसी जुकाम और जो सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं उससे बचाएंगे। आइए अधिक जानकारी लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये हमें बचाएगा जो लोग जिनको वूपिंग कफ, वूपिंग कफ खतरनाक वर्ड है सुनने में, चिंता मत कीजिए, इसको काली खांसी कहते हैं हम आम भाषा में। तो जिनको काली खांसी है उनको देंगे तो उनकी काली खांसी चली जाएगी। इसके अलावा वेट कफ, वेट कफ मतलब जब बलगम आता है आपको, आपको लगता है कि कुछ जमा हुआ छाती में और उसको वेट कफ बोलते हैं। कई बार सूखी खांसी होती है जिसको कहते हैं ड्राई कफ, तो ड्राई कफ है तो भी सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है या काली खांसी है, तीनों में आप आराम करेगा। और एक और खतरनाक वर्ड आ रहा है, वो है एलर्जिक रिनिटाइटिस, टंग ट्विस्टर है डॉक्टर ऐसे ही नाम देते हैं बीमारियों को, राइनिटाइटिस, राइनिटिस कुछ भी कह लीजिए इसको। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ये होता है नाक की एलर्जी, मैंने लिखा हुआ है फर्रा बना के बैठा हुआ हूं मैं, नाक में कई बार लगता है ना आपको एलर्जी सी है, आपको लगता है नाक अंदर से जल रहा है ना, आपको लगता है कि अभी जुकाम होने वाला है। तो बेसिकली एक एलर्जी है जो नाक में होती है जिसको एलर्जी रिनिटाइटिस कहते हैं, तो उससे भी आपको ये बचाता है। अगर आपको लग रहा है नाक में कुछ एलर्जी सी है, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ खुजली सी हो रही है और नाक में लग रहा है आपको फील हो रहा है कि अभी जुकाम होने वाला है, तो बेसिकली एक एलर्जी है जो नाक में आपको फील होती है पहले, जुकाम से पहले की स्टेज, तो उससे आपको बचाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि जो पुरानी खांसी जिसको हो जाती है, बहुत दिन तक ठीक नहीं होती, एक बार खांसी हो जाती है तो काफी काफी दिन तक ठीक नहीं होती, तो वो उससे आपको ये बचाएगा बताएगा। इसके अलावा वाटरी आईज, जब आपको खांसी होती है जुकाम होता है तो आपकी नॉर्मली आंखों में भी दर्द हो जाता है, जलन सी स्टार्ट हो जाती है और आपकी आंखों से पानी थोड़ा सा बहना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, रो भी नहीं रहे होते हम लेकिन खांसी और जुकाम इतना परेशान कर देता है और आंखों में उसकी जलन सी महसूस हम करते हैं और आंखों से पानी बहने लग जाता है, तो वाटरी आईज में भी आपको मदद करेगा ये कफ सिरप, पी लेंगे तो आराम मिलेगा। इट हेल्प्स suppress cough and aids the mobilization of mucus,
म्यूकस आपने अभी कोरोना के टाइम पर काफी सुना होगा, म्यूकस नया वर्ड है आजकल, कोरोना टेस्ट के लिए म्यूकस का सैंपल लिया जाता है आपका, नाक में डाल के मुंह में डाल के वो डालते हैं ना एक स्वाब टाइप का, उसके बाद टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, आजकल टीवी में मीडिया में सारा दिन दिखाते हैं वो, तो म्यूकस का सैंपल लेते हैं, म्यूकस मतलब कुछ नहीं बलगम, तो बलगम अगर है, कई बार क्या होता है ना लगता है कि छाती रुक गई है एकदम, आप बलगम निकालना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं रहा है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो अगर आप ये पिएंगे तो बलगम आपका बाहर आएगा, आप खांसेंगे और उसके बाद थूकने जाएंगे, बलगम बाहर निकलेगा तो आपको आराम मिलेगा, तो म्यूकस को म्यूबलाइज करने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा असिस्ट इन कॉमिंग एंड डायलेटिंग द लंग्स एयरवेज, अब आप जानते हैं जो सबसे आजकल सबसे चर्चित मुद्दा है वो है कोरोना। कोरोना में क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा श्वास की जो नली है जहां से हम सांस लेते हैं, जो फेफड़ों का जो ट्रैक है मुंह से लेके नाक से, जो फेफड़ों में हवा जाने का जो रास्ता है, वो बेसिकली कंजेस्ट हो जाता है। तो जो हमारा लंग्स का एयरवे है, हमारे लंग्स में हवा जाती है मुंह के थ्रू नाक के थ्रू, उसका जो रास्ता है वो कई बार क्या होता है कंजेस्टेड सा हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, खांसने में तकलीफ होती है, छाती भारी भारी सी लगती है, आपको अनइजी फील होता है, तो ये पीने से वो डायलेट हो जाता है, डायलेट मतलब वो थोड़ा फूल जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है उससे आप आराम आपको मिल जाता है, जिससे कि आपके चेस्ट में जो कंजेशन है, जो छाती आपकी भारी हो गई है खांसी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, उससे आपको आराम मिल जाता है। तुलसी इसके अंदर है, और तुलसी के अंदर दो खास तरह के एसिड्स होते हैं, जिसको एलियोनोलिक एसिड कहते हैं और यूरसोलिक एसिड कहते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं जो कि आपके एलर्जीज के लिए और आपके एयरवे में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपके सांस की नली में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से खांसी जुकाम और आपको एलर्जीज होती है, उससे आपको ये आराम दिलाता है और बहुत जल्दी आपको रिकवरी मिल जाती है इसको पीने से। मैं आपको एग्जांपल से देना चाहूंगा, स्पेशली जब सीजनल चेंज होता है, जब सर्दी से गर्मी आती है तो अक्सर खांसी जुकाम की प्रॉब्लम आती है, गर्मी से हम सर्दी में जाते हैं तो अक्सर खांसी जुकाम में प्रॉब्लम आती है, तो कोल्ड कफ उसमें आपको बहुत ही शानदार आराम इससे मिलता है। और ये भी एक नए पैक में अवेलेबल है, अभी आपको ये दो के पैक में मिलेगी, जिसका MRP है 474 रुपए और सेफ शॉप प्राइस है दो का वो है 245 रुपए, और ये दो बीवी का प्रोडक्ट है, तो मंगा के रखिए, हर घर में जरूरत पड़ने वाली है, सेफली इसको आप ले सकते हैं, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, और जिसको भी आप देंगे वो पोल्यूशन से भी बचेगा, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम से भी बचेगा, और उसका पोल्यूशन उसका दिन भी अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि इंडाइजेशन सा फील होता है और आपको लगता है कि कुछ सब कुछ भरा भरा सा है, तो उसमें बहुत ही शानदार आराम मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल के जमाने में इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी, स्पेशली पंजाब से, पंजाब के हमारे लोग आपको पता है इस वक्त क्या कर रहे होते हैं, किसी को बुरा लगे तो प्लीज माइंड मत करना, मतलब है कि पंजाब में और बहुत सारे इलाकों में जहां पर ड्रिंक्स बहुत करते हैं लोग, स्मोक बहुत करते हैं कुछ लोग, तो उनको, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, तो उनके लंग्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनके लीवर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और जो हमारा लीवर है वो लीवर ऐसा है कि अगर वो बीमार हो गया तो उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। एलोपैथी में जो हमारा इंग्लिश सिस्टम है मेडिसिन का, ब्रिटिश सिस्टम जो है, अमेरिकन सिस्टम है मेडिसिन का, एलोपैथी जिसको हम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी दवाइयां हम कहते हैं, उसमें कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है हमारे लीवर के लिए। लीवर को ठीक करने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ता है, तो लीवर को बचा के रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनके लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोग जो ज्यादा स्मोक करते हैं उनके भी लीवर को प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं, तो उनके लीवर पे भी बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पोल्यूटेड एनवायरमेंट में रहते हैं, जैसे हम दिल्ली वाले हैं और बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं जहां पे आमतौर पर पोल्यूशन लेवल का बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो वहां पर लीवर की प्रॉब्लम और लंग्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, लीवर को इलाज कोई अवेलेबल नहीं है, लीवर को ठीक करने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, लेकिन लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए और लीवर को ठीक से फंक्शनल रखने के लिए, लीवर अपना काम ठीक से करता रहे, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है लीवो केयर सिरप। लीवो केयर सिरप की बहुत जबरदस्त भारी डिमांड आती है और इसका इस्तेमाल मुझे लगता है कि जिनको लीवर की प्रॉब्लम नहीं भी है उनको भी करना चाहिए, जो स्मोक नहीं करते लेकिन दिल्ली और आसपास के और मेट्रो सिटीज में जो लोग रहते हैं वो बिना स्मोकिंग किए भी बहुत सारे सिगरेट्स का धुआं अपने अंदर ले लेते हैं, तो उनकी लीवर पर बुरा असर उसका भी पड़ता है। इसके अलावा जो हमारा खान पान है उसमें बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं,
हमारे फ्रूट्स में, हमारे वेजिटेबल में, इवन हमारे दूध में, हमारे अनाज में, हमारी सब्जियों में बहुत सारा केमिकल हमारे शरीर में जाता है और हमारे लीवर को बुरी तरह से प्रभावित करता है। जो लोग बहुत सारी कोई किसी वैसे बीमार रहा है जिसने बहुत सारी दवाइयां खाई हैं, तो दवाइयां खाने से भी हमारे लीवर को बुरा असर पड़ता है, उसके ऊपर हमें झेलना पड़ता है। तो लीवर को बचाने के लिए एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, यानी कि बहुत ज्यादा दारू कोई पीता है तो उसको लीवर की प्रॉब्लम होती है, स्मोकिंग से, पोल्यूशन की वजह से और हेपेटाइटिस की वजह से। जॉइंटिस मतलब पीलिया, पीलिया अगर किसी को हो गया तो पीलिया बेसिकली लीवर की ही प्रॉब्लम है। फैटी लीवर, लीवर थोड़ा सा भारी भारी सा हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है, तो उसके लिए हमारा ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये आपके मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम जो है, यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं शरीर के अंदर, खाना हजम नहीं हो रहा है, जलन हो रही है छाती में, डकारें आ रही हैं, तो बेसिकली हमारा जो है मेटाबॉलिक सिस्टम जो है, हमारा पाचन तंत्र है, उसमें कोई विकार आ गया, उसमें कोई दिक्कत आ गई है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारा लीवो केयर बहुत ही शानदार। डकारें आना, खट्टी डकारें आना, जलन होना, छाती में भारी भारी सा फील होना, ये सब लीवर की प्रॉब्लम है। भूख कम लगना, ये भी लीवर की प्रॉब्लम है। तो इन सब से बचने के लिए और इनको ठीक रखने के लिए, लीवर को सही कंडीशन में रखने के लिए आप लीवो केयर सिरप का इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके अलावा ये पूरी तरह से सेफ है क्योंकि आयुर्वेदिक है, पूरी तरह से हर्बल है, इसमें किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, ये पूरी तरह से कुदरती है, जड़ी बूटियों से बनाया गया सिरप है, टॉनिक है, जो कि आपके लीवर को संभाल के रखेगा। ये आपके लीवर की जो सेल है, जैसे मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी बताया था कि हमारा शरीर बना है अंगों से, हमारा शरीर बना है अंगों से, हमारे अंग बने हैं सेल से, तो जो लीवर है उसकी जो सेल है उनको रीजनरेट करता रहता है ये। जैसे मैंने आपको पिछली ट्रेनिंग में भी बताया था कि हमारे जो शरीर की जो सेल्स हैं वो रीजनरेट होती रहती हैं, पुरानी सेल्स डेड हो जाती हैं और उसकी जगह नई सेल्स आ जाती हैं, तो जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस इसको हम कहते हैं। तो लीवर की जो सेल्स है उनको ठीक रखने के लिए और उसका रीजनरेशन करने के लिए, रिज्यूनेट करने के लिए अगर आप ये लेते रहेंगे तो आपके लीवर की सेल्स नई नई बनती रहेंगी और आपका लीवर हेल्दी रहेगा। इसमें है क्या क्या मैं आपको बताता हूँ किन चीजों से बना है। ये सारी हर्ब्स हैं, ये सारी जड़ी बूटियां हैं जो इसके अंदर डाली गई हैं। उसमें है नगर मोथा, गुलाब, सेना, हरड़, बहेरा, कचूरा, आमला, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, पुनर्नवा, कुटकी, हिमसरा, काकामाची और कासनी। इसमें बहुत सारी हर्ब्स के नाम तो आप जानते हैं जो घरों में इस्तेमाल भी होती हैं, और बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं आयुर्वेद के और हमारे वेद पुराणों में और हमारे जो ग्रंथ हैं जिनमें आयुर्वेद का जिक्र किया गया है वहां पर इन सारे पदार्थों के बारे में बहुत अच्छी रिसर्च अवेलेबल है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये सारे हर्ब्स हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, इसमें नगर मोथा है, गुलाब है, सीना है, हरड़ है, हरड़ लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है, बहेरा, कचूरा, आंवला बहुत अच्छा होता है लीवर के लिए, जीरा बहुत अच्छा होता है, सौंफ बहुत अच्छी होती है, काली मिर्च बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत ही शानदार हर्ब से बनाया हुआ प्रोडक्ट है जो कि पूरी तरह से कुदरती है, जो आपके लीवर को संभाल के रखेंगी और लीवर को बचा के रखेंगी। ये ऐसा सिरप है, ये ऐसा टॉनिक है जो आपके लीवर को प्रोटेक्शन देता है, जो आपके लीवर को बचा के रखता है, उसको संरक्षण देता है। और ये कुदरती हर्ब से बनाया हुआ प्रोडक्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे आपका मेटाबॉलिज्म, आपका पाचन तंत्र जो है वो बेहतर हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा लीवर थोड़ा सा स्लगिस हो जाता है, वो लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। लीवर हमारा जिस काम के लिए बना है, खाने को बचाने के लिए, वो ठीक से कर नहीं रहा होता है, तो उस काम को ये अच्छी तरह से करने लगेगा अगर आप लीवर केयर सिरप लेना शुरू करेंगे। जॉइंटिस अगर किसी को हो गया, पीलिया हो गया है, तो पीलिया के लिए तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। किसी को भी पीलिया हुआ है पास्ट में या हल्का सा भी पीलिया अभी लग रहा है आपको, तो अभी लेंगे तो आपको पीलिया में बहुत अच्छा आराम मिलेगा इससे। एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर कई बार सूज जाता है, बड़ा हो जाता है लीवर का साइज, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा काम करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भूख नहीं लगती, उनको भूख बहुत कम लगती है, तो ये लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप ये लीवर के सिरप उनको देंगे, आप लेंगे, तो उनको भूख लगने लग जाएगी, उनको खाना अच्छी तरह से हजम होगा और उनको अच्छा फील होगा। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लीवर की वजह से होती है, जिसका रीजन है पॉल्यूशन और बहुत सारे और कारण, ड्रिंक्स और स्मोकिंग और एक्सेसिव ऑयली और स्पाइसी चीजें खाना, बाहर का खाना खाना, उससे लीवर के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उससे बचाएगा हमें ये लीवर केयर सिरप। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे जो लीवर की सेल्स है उनको रिजुनेट करता है, डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है, हमारे लीवर की जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं उनको ये रिपेयर कर देता है। इसके अलावा जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शंस
इन्फ्लेमेशन से मतलब है इन्फेक्शन जो हो जाते हैं हमारे लीवर के अंदर या उस ट्रैक के अंदर, तो उसको ठीक करता है। और लीवो के स्ट्रिप से आपका एंजाइम्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एंजाइम्स इसके अंदर हैं, वो एंजाइम्स आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो लीवर को रिपेयर करते हैं। और लीवो केयर भी हमारे नए रूप में आ गया है, इसका पैकिंग आप देख रहे होंगे, पूरा शानदार पैकिंग है इसकी, बहुत ही अट्रैक्टिव पैकिंग है। और ये अभी 2 के पैक में आता है जिसका मार्केट प्राइस है 476 रुपए, और सेफ शॉप में ये मिलेगा आपको 344 रुपए में 2 का सेट, 2 लीवो केयर की बोतल सबको यहाँ पर मिलेगी। अब जो मैं लास्ट प्रोडक्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, ये नया प्रोडक्ट है मेरे लिए भी, आज ही मैंने इसके बारे में पढ़ा है इंटरनेट पे बहुत कुछ, और ये बहुत ही गजब का प्रोडक्ट मुझे लगा है। ये कैप्सूल्स की फॉर्म में है, 100 कैप्सूल्स का एक पैक है, और इसका नाम भी बड़ा अटपटा है, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना। ये नया प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, लेकिन इसके जो फायदे है वो बड़े गजब के है। एक तो इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी है, काफी प्रोटीन है इसके अंदर, विटामिन है इसके अंदर, और मिनरल्स हैं। और मिनरल्स जो खास तौर पर इसमें सबसे ज्यादा है वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। प्रोटीन है इसके अंदर, प्रोटीन के अलावा बहुत सारे विटामिन है इसके अंदर, और विटामिन के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल, शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनको हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, कम करके रखता है, रिड्यूस करके रखता है। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। तो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को ये मैनेज करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, जिससे कि हमारे ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनको ठीक कर लेता है। ये आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। ये अगर आप कैप्सूल लेना शुरू करेंगे तो आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, आपका दिमाग जो है वो ज्यादा काम करेगा और अच्छी तरह से काम करेगा, और ये आपकी जनरल हेल्थ को भी, ये आपकी नॉर्मल जो सेहत है उसको भी दुरुस्त रखेगा। और आपके ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ा हुआ है, अगर वो एक टैबलेट लेना शुरू करेगा, एक कैप्सूल लेना शुरू करेगा, तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, वेट लॉस में भी मदद करेगा। ये बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट है जो अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या क्या फायदे हैं इसके? प्रोटीन बहुत सारे हैं, विटामिन बहुत सारे हैं, मिनरल्स बहुत सारे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करके रखेगा, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को ठीक करेगा, आपका दिमाग खूब सुचारू रूप से काम करेगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आप बीमार बार बार नहीं पड़ेंगे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। और ये कुदरती तौर पर आपके शरीर के अंदर जो विषाणु जमा हो जाते हैं, टॉक्सिन्स जिनको कहते हैं हिंदी में विषाणु कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो विषाणु आ जाते हैं खाने के थ्रू या पोल्यूशन के थ्रू, पोल्यूशन की वजह से, उन विषाणुओं को ये शरीर से बाहर निकालता है, तो शरीर को डिटॉक्स करता है। जब शरीर डिटॉक्स होता है, हमारे अंग जब डिटॉक्स हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के अंग, हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स है वो अच्छी तरह से फंक्शन करते हैं। ये डिटॉक्स करता है शरीर को, तो डिटॉक्स करने से हमारे शरीर के अंदर जो विषाणु है जो कि बहुत सारे बीमारियां पैदा करते हैं उनको निकाल देता है। और जिसमें एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आज के दिन बहुत खतरनाक है, बहुत महंगा है, और जब वो बीमारी किसी को हो जाती है तो लास्ट स्टेज में ही पता लग पाती है। ऐसी खतरनाक बीमारी जो आप जानते हैं वो क्या है? कैंसर। सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी जो लास्ट स्टेज में ही डिटेक्ट हो पाती है, और जब होती है तो उसके बाद मरीज का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लेट स्टेज में डिटेक्शन होता है। तो कैंसर से बचाता है हमें ये, क्योंकि शरीर को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स करने से बहुत सारे विषाणु जो शरीर के अंदर जमा होते हैं, जो बाद में कैंसर हमारे शरीर के अंदर पैदा करते हैं, उनसे हमारे शरीर को बचाता है। तो कैंसर के लिए बड़ा अच्छा इफेक्टिव प्रिवेंशन है ये। बूस्ट एनर्जी, आपके शरीर की जो एनर्जी है, आपकी जो स्फूर्ति है उसको ये बढ़ाता है। आप बड़ा एनर्जेटिक महसूस करेंगे अब ये कैप्सूल लेंगे तो। एक और नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, इलिमिनेट्स कैंडिडा। कैंडिडा मतलब एक तरह का फंगस होता है, जिसकी वजह से कई बार वो फंगल इन्फेक्शन होता है कैंडिडा, जिसको ये खत्म कर देता है, जिसकी वजह से अक्सर कई बार लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, प्यास खत्म नहीं होती, उनको पीते रहते हैं, और बेसिकली अंदर कोई इन्फेक्शन है जिसको क्लीन करने के लिए शरीर पानी मांग रहा है। शरीर में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको क्लीन करने के लिए नेचुरल तरीका है कुदरत का, हमारे शरीर का, कि वो ज्यादा पानी पियेंगे हम, गर्म पानी पियेंगे तो डिटॉक्स हो जाता है। तो बेसिकली कैंडिडा की वजह से भी कई बार होता है, तो ये कैंडिडा में भी आपको मदद करता है। आपकी इम्यूनिटी को, हमारे शरीर की जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, जिससे हम बीमारियों को भगा सकते हैं, बीमारियों को हरा सकते हैं, उस ताकत को ये बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।
इसका अगर लगातार इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके ब्रेन के लिए यानी कि दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, तो आपकी स्किन जवान रहेगी और ग्लो करेगी बहुत लंबे समय तक। इसके अलावा इसको एक सुपर फूड माना जाता है। सुपर फूड इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें मिनरल तो है, विटामिन भी है, इसमें प्रोटीन भी है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है। शरीर में जो संतुलन जो चाहिए होता है, जो संतुलित डाइट जिसको हम कहते हैं, बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, तो ये बेसिकली हमें बैलेंस डाइट देता है, तो सुपर फूड इसको आप कह सकते हैं। और ये भी अगर आप लगातार लेंगे ये कैप्सूल तो आप रात को अच्छी तरह से सो पाएंगे। डिटॉक्स होने से शरीर वैसे भी बड़ा हल्का हल्का फील हो जाता है, आप बेटर फील करते हैं और आपको नींद बड़ी अच्छी आती है और आप बेटर फील करते हैं। एक प्रिकॉशन है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या बच्चों को फीड कर रही है तो वो अवॉइड करें इस कैप्सूल को लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या फायदे हैं इस कैप्सूल के? विटामिन है, मिनरल्स है और इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत शानदार इसके अंदर हर्ब्स हैं। इसके अलावा जनरल हेल्थ को ठीक रखता है, आपके ब्रेन को ठीक रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, वेट लॉस आपका करता है यानी कि वेट आपका कंट्रोल में रहता है, शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करता है यानी कि जो विषाणु हमारे शरीर के अंदर है उनको बाहर निकालता है, कैंसर से बचाता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, फंगल इन्फेक्शन जो हो जाते हैं उनको ठीक करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आंखों के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, आप ज्यादा अच्छी तरह से सो पाते हैं। और लास्टली एक प्रिकॉशन होगी कि प्रेग्नेंट औरतें और जो औरतें बच्चों को दूध पिला रही हैं, अपना ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, वो इसको अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं इसके अंदर हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ठीक ना हो, तो इसलिए ये प्रिकॉशन आप जरूर रखें। और लास्टली ये है अवेलेबल हमारे पास 100 का पैक है और ये इसका MRP है 699 रुपए और हमारे पास ये अवेलेबल है 599 रुपए में और ये 3 BV का प्रोडक्ट है, तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसको आप खूब जम के प्रमोट कीजिए, खुद इस्तेमाल करके देखिए। और लास्टली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2 अक्टूबर के लिए तैयारी कीजिए। 2 अक्टूबर से पहले एक शानदार टीम बनाइए, 2 अक्टूबर से पहले रीपर्चेज की आदत डालिए, 2 अक्टूबर से पहले हमारे पास जितनी भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको आप खुद इस्तेमाल करके देखिए, उनको जानिए, उनके बारे में बताना शुरू कीजिए, घर में खुद इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, खुद अच्छे यूजर बनिए अपने प्रोडक्ट्स के। जब आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, जब आप उसके प्रोडक्ट के फायदे खुद महसूस करते हैं, जब आपके आसपास के लोग जिनको आप जानते हैं, जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, जब वो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे और उनके फायदे महसूस करेंगे और जब वो आपको बताएंगे कि ये पीने से, ये खाने से, ये लेने से मुझे ये फायदा हुआ, जब आपको ये सुनने को मिलेगा तो आपका जो आत्मविश्वास है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब आपका आत्मविश्वास होगा, आप अपने प्रोडक्ट्स को बिलीव करेंगे तो उतनी ही स्ट्रांगली आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे, रिकमेंड कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट्स को लेकर मैं बार बार आपको ट्रेनिंग देता रहूंगा रेगुलर बेसिस पर, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर हम घर में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हमारा नेटवर्क बहुत जल्दी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। 2 अक्टूबर को बहुत ही शानदार आगाज होने वाला है सेफ शॉप का। मैं आपको बार बार बोलता हूं वही बात कि 2 अक्टूबर मतलब सेफ शॉप 2.0। सेफ शॉप एक नए रूप में आ रही है 2 अक्टूबर को, जो प्लान पहले से आपको बिगर रिटर्न्स देगा, बिगर ज्यादा पैसा देगा, बेटर हो जाएगा पहले से। ये बहुत बड़े ग्रैंड स्केल पे लॉन्च होने वाला है जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी और ये ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान है। सब खुश हो जाएंगे, चारों तरफ खुशियां फैल जाएंगी, सबके अंदर इतना एंथुसियाज्म होगा जब ये प्लान के बारे में आप सुनेंगे, जब वो नए एडेड इंसेंटिव आपको मिलने वाले हैं हर लेवल पर, उसके बारे में जब आप जानेंगे, आपका नेटवर्क जब उसके बारे में जानेगा तो चारों तरफ खुशियों भरा वातावरण होगा। और जब हम खुश होकर कोई काम करते हैं तो हम धुआं उड़ा देते हैं, बिहार में और झारखंड में कहते हैं ना गर्दन उड़ा देते हैं, हम गर्दन उड़ाने का टाइम आ गया है, अब कमर कसने का वक्त आ गया है, अब अपने नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत बनाने का वक्त आ गया है, अब अपने नेटवर्क को और ज्यादा एजुकेशन देने का वक्त आ गया है, अब वक्त है कि आप खुद भी जानकारी इकट्ठा करें और अपने नेटवर्क को भी खूब जमकर उसकी एजुकेशन दें। और मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि अपनी टीम में लोगों को संगठित करें, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं, एक मजबूत टीम बनाएं और जैसे ही 2 अक्टूबर को ये नया प्लान, ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान, ज्यादा खुशियों भरा प्लान हमारे साथ शेयर किया जाएगा, हम धुआं उठा देंगे, हम धूम मचा देंगे, हम जमकर रॉक करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय सेफ शॉप एंड जय हिंद, बाय बाय।